भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी केंद्र सरकार के बजट के फायदे बताने में लगे हुए हैं। इसी के तहत टीकमगढ़ में पूर्व विधायक उमेश शुक्ला ने केंद्र के बजट की सराहना करते हुए बताया कि इस तरह का बजट इतिहास में पहले कभी नहीं आया। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छतरपुर से पूर्व विधायक उमेश शुक्ला शामिल हुए। उमेश शुक्ला ने बताया कि पहली बार पेपरलेस बजट पारित किया गया है। शुक्ला ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा बजट कभी नहीं आया जिसमें 75 साल से अधिक लोगों को टैक्स में छूट दी गई, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को स्कॉलरशिप की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए भी प्रयास हैं। इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। जैसा कि आपने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जिले में जो भारत सरकार का बजट आया है उस बजट को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। और भारत सरकार ने जो गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे वो रेल के माध्यम में हो, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से हो, सभी प्रकार के जो विकास के कार्य किए हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का है और सबको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।